नौकरशाही डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूँ शाहबाज। पटना में जीशान अहमद के नेतृत्व में काम कर रही जिरकॉन इंस्टीट्यूट की चार मुस्लिम लड़कियों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो मेडिकल परीक्षा के लिए लिया जाता है, इस परीक्षा में चार लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्जन डॉक्टर ए हई ने छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में डॉक्टर ए हई ने मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए छात्रों के सवालों के जवाब दिए और उन्हें मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए एथिक्स के बारे में समझाया। आइए देखते हैं उन्होंने छात्रों से क्या क्या कहा। और बेसिकली ये पैगाम देना है कि आज के इस दौर में, उसको आप आलमी सतह पर देखिए, अपने मुल्क की सतह पर देखिए, ये बिहार की सतह पर देखिए, रोना गाना मरसिया खानी से काम नहीं चलने वाला है। अगर एक चीज आपको बढ़ा सकती है, अगर एक हल है इसका, पहला हल तो है कि अल्लाह के करम अकरम होना चाहिए, दूसरा है आप मेहनत करके इल्म हासिल करें। इन प्यारी प्यारी बच्चियों ने, चार बच्चियां, उन्होंने भी नीट को कम्पीट किया है। हम उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं और पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये खूब अच्छी डॉक्टर बनेंगी और न सिर्फ अपने लिए, अपने कौम के लिए, इस मुल्क भारतवर्ष के लिए एक नमूना होगी और इस्लाम की एक एम्बेसडर बनेगी। तालीम की अहमियत के बारे में इतनी अच्छी तस्वीर की, हमारी विरासत कितनी बड़ी और कितनी मुस्तहकम है, प्रोफेसर साहब ने भी बहुत अच्छे से इसको चलाया और हम ठीक। और हमको याद है कि आज से कई साल पहले हम अमेरिका गए हुए थे, लौट रहे थे, पाकिस्तान वापस आ रहे थे, तो उस जमाने में इंटरनेट की जस्ट शुरुआत हुई थी, इंटरनेट के बारे में बड़ा हल्ला था, तो हमको सीएम करने के लिए हमारे छोटे भाई महमूद मियाँ, अल्लाह को खुश रखे, तशरीफ लाए थे, और उनका बेटा था यूसुफ। तो ठीक एयरपोर्ट पर हमने कहा कि यूसुफ, कुड वी हैव सम बुक अबाउट इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में कोई किताब हो छोटी मिले जो कि कोई कम पढ़ा लिखा के समझ सके। ठीक थी पापा, बड़े पापा हम लाते हैं। तो क्या वो लाए, वो एक सीरीज चलती है इंटरनेट फॉर डमीज, कमी मतलब कि आप बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं लेकिन इंटरनेट फॉर डमीज, उसके लिखने वाले जो ऑथर्स थे सिर्फ तीन बड़े बड़े प्रोफेसर वहां के, तो जैसे अभी प्रोफेसर बता रहे थे अभी पता अभी मृदम के बारे में, तो जब पहला देखा हमने तो उसने कहा कि दिस बुक इज डेडिकेटेड टू, तीन थे, एक डेडिकेट किया आपने वाइफ को, एक डेडिकेट किया आपने पेरेंट्स को, और एक डेडिकेट किया जो हम ताजवर आ गए जलालुद्दीन रूमी, बुक ऑफ इंटरनेट इन 2016 इज बीइंग डेडिकेटेड टू जलालुद्दीन रूमी। ये हमारा मतलब, ये हमारा मतलब है। आज हम जो रोते हैं तो रोना हम बंद करें, अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर करें, है ना, वो जो आज कहते हैं ना कि न्यूटन से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं था, तो सेब तो भैया हमेशा गिरता है नीचे, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि सेब ऊपर चला गया, लेकिन ये साइंटिफिक टेम्पर था उसने, नीचे क्यों गिरा, कोई चीज़ खींचती है इसको, इसका नाम ग्रेविटी दिया, फिर लॉज ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और पूरे फिजिक्स के कितने बड़े माहिर बैठे हुए हैं, पूरा साइंस का एक अंबार बन गया उसके। तो वी मस्ट डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, वी मस्ट सर्च फॉर एक्सेलेंस, पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, एक्सेलेंस बजाना जरूरी है।